एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल मैर सिंह दया शौर्य चक्र ने आज कुपवाड़ा के सैनिक बोर्ड में तकरीबन 30 साल बाद अपने तीन जगले के सबका फौजियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर दूरदराज इलाकों से आए फौज के रिटायर्ड जवानों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर सबका ऑफिसर ने अपने जवानों को यकीन दिलाया कि उनके मुश्किल का अजाला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम भी किया जाएगा। इस मौके पर सैनिक बोर्ड के ऑफिसर गिरधारी लाल के अलावा सबका फौजी अफसरान और फौजी जवानों ने हिस्सा लिया। हमें वो सब याद, मुझे वो वक्त भी याद है जब इन्हें कमीशन मिला था, वैसे तो सेकंड लेफ्टिनेंट ये आए थे और पर हमारा दिल जो है खुश हो जाए। अब कुछ चीजें हैं हमारी जो हमारे हमें प्रॉब्लम है। मेरा नाम कर्नल मेहर सिंह दया शौर्य चक्र है। मैं जून 1973 में फ्री जम्मू कश्मीर मलेशिया में कमीशन हुआ। उसके बाद हम जैकलाई रेजिमेंट बने और जो मलेशिया में आए थे डायरेक्टली, उससे मैं पहला इस यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर बना। 34 साल की सेवा करने के बाद मैं रिटायर हुआ और एक सोशल सामाजिक कार्य करता हूँ अपने इलाके में भी। जो फौजी ड्यूटीज़ थी वो एक अलग संबंध है, लेकिन इंसानी पारिवारिक रूप से मैं इनको तहे दिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये सब जानते हैं। हमारी बाइनल कॉन्फ्रेंस जो कमांडिंग ऑफिसर्स की होती है, उसके साथ में वेटर्न्स की रीयूनियन, सातवीं रीयूनियन हमारी थी। मैं उसके लिए आया, उसके साथ मैंने ये मेरी भावना थी कि मैं कुपवाड़ा में आके अपने परिवार के लोगों से मिलूं, कि अपने समाज में एक रोल मॉडल बने जिसके लिए, जिसके ऊपर कोई भी ज़रूरतमंद या मुसीबत में इनकी तरफ देखे कि चलो फलाने ऑनरी कैप्टन साहब हैं, सूबेदार साहब हैं, हमें नहीं मालूम है, वो कोई रास्ता बताएंगे। वो एक समाज के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के ये लोग एक रोल मॉडल बने। सैनिक वेलफेयर के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं वो पहले धैया साहब के साथ जुड़े हुए थे, कर्नल धैया साहब के थे, वो अभी मेरा पार्ट है, अभी वो मेरे साथ हैं, ठीक है। सो इनके लिए जितने भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं या इनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके लिए जो ग्रांट्स हैं वो सब हम इन तक पहुंचाते हैं। इनके लोकल मसाइल्स जो होते हैं उनको हल करते हैं और इनके बच्चों के आगे अगर कुछ एलिजिबल बच्चे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उनको हम मदद करके कुछ ना कुछ उनके लिए कर देते हैं। उनके लिए यही है कि किसी का अगर कुछ भी कोई इशू है जो उनको तंग कर रहा है तो वो यहाँ पे कुपवाड़ा में आके हमें मिले, हम उनकी मदद करेंगे, यही हमारा काम है। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स 3-year इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम फॉर IAS, KAS स्पेशलाइज्ड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम। ड्रीम बिग एंड प्रिपेयर अर्ली। फॉर काउंसलिंग विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। फॉर मोर इन्फो कॉल ऑन 9469888333।